नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SEO युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एक परफेक्ट नीच को सिलेक्ट करने का आखिरकार प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जब सभी लोग ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं गाइस, तो उनके सामने एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है कि आखिरकार हम किसके ऊपर जो है ब्लॉग को स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार जो होता है हम बहुत बड़ा रिसर्च कर जाते हैं, या फिर कई बार हमको जो है पता नहीं होता है कि हमको कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए या फिर किस नीच पर काम करना चाहिए ताकि हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, अब बहुत सारे ब्लॉगर्स इस बात को भी बोलते हैं कि आपको अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा इनकम ना जनरेट हो। बहुत नीचे से जो एक एक क्लिक के आपको जो है बहुत सारे पैसे देते हैं, और बहुत सारे नीचे से जो आपको ज़्यादा पैसे नहीं देते, तो ऐसे केस में बहुत सारे डाउट्स होते हैं गाइस। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी एक परफेक्ट नीच को जो है सेलेक्ट करने में। सो अगर आप चैनल पर पहली बार है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे और भी बहुत सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं, आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड डेफिनेटली बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब मैंने अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट किया था, उस वक्त जो है मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार मुझे इस पे आर्टिकल कैसा लिखना है। ठीक है, मैं कभी न्यूज़ आर्टिकल्स लिख देता था, कभी कभी जाके टेक्नोलॉजी लिख देता था, मतलब जो दिमाग में आता था वो मैं आर्टिकल्स को लिख देता था। इससे बहुत ही ज़्यादा गार्बेज कंटेंट हो गया था मेरे साइट पे, और वो साइट कभी रैंक नहीं करती थी। मुझे पता भी नहीं था कि आखिरकार रैंकिंग कहाँ से चेक की जाती है, या फिर कैसे आता है, SEO क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कोई भी आइडिया नहीं था। बस पता था लिखना होता है, और मैं लिखता चला जाता था। और आज के समय में अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो इस तरह की ब्लॉगिंग कभी सफल नहीं हो सकती है। अगर आप इस तरह की कोई भी ब्लॉगिंग कर रहे हो कि अगर आप लिखते जा रहे हो बिना किसी आइडिया के, बिना किसी एक यू नो स्ट्रेटेजी के, तो आपको जो है कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉग में, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो गाइस वो होता है नीच सिलेक्शन, एक परफेक्ट नीच सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको एक परफेक्ट नीच सेलेक्ट करना है गाइस, तो मैं आपको जो है वो तीन स्टेप्स बताता हूँ, जिसमें हमारा जो पहला स्टेप आता है गाइस वो ये है कि सबसे पहली बात तो जिस भी नीच को आप सेलेक्ट करने जा रहे हो, उस नीच के ऊपर आपको ये जानना चाहिए कि आपको कोई एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, या फिर आपको उसमें खुद इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस है, तो बात बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी जो है वो टाइम टू टाइम आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है देखना होगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर नीच पे, तो आपको जो है उस नीच को जो है स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उस नीच को स्टार्ट करने के लिए, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो है ध्यान देना पड़ता है। मैं इस वीडियो में डेफिनेटली उसको कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस बात को बोलूँगा कि एक नीच को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे, आपने जो है जैसे लिस्ट तैयार कर लिया है बहुत सारे नीचेस का, तो आपको उसमें अगर चूज करना है, तो मैं वही बोलूँगा कि आप अपने इंटरेस्टेड नीचेस को जो है सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट से बाहर जाएंगे, तो हो सकता है कि आप कुछ समय के बाद जो है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद जो है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार कि अभी मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने 20-30-40 आर्टिकल्स लिख दिए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, और ऐसे में आपको जो है अगर इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप उस साइट को जो है छोड़ दोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो और थोड़ा बहुत भी आपको एक्सपीरियंस है, तो वो साइट आप लॉन्ग टर्म में जो है ले जाके आप उसको सक्सेसफुल बना सकते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इंटरेस्ट की बात होती है, वो इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको नीचे में इंटरेस्ट होगा, तो आप वही चीज़ बताओगे अपने ऑडियंस को जिसमें उनको मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, तो आप कैसे उनको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट दिला पाओगे पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं बताऊँ कि मान लीजिए आपको जो है अभी आप जो है कोई जैसे फूड रेसिपीज़ के ऊपर आप कोई ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो, अब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं यार, आपने कभी उसको एक्सपीरियंस भी नहीं किया हुआ है कि इस तरह से इन सब चीज़ों को अलाइन करना पड़ता है, इसको जो है इसमें क्या डालना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर इसमें कोई पहले से ही प्रायर नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे केस में जो है उस पार्टिकुलर नीच के साथ जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। सो मेरा ये हाईली सजेशन है दोस्तों, कि आप एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट बेस्ड जो है नीच को सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपका एक्सपीरियंस दिख गया, उस जो भी आपने लिस्ट बनाया हुआ नीचेस का, मुझे इसमें से ये स्टार्ट करना है। अब वहाँ पर यह आता है दोस्तों, कि आपको जो है कभी भी पूरा का पूरा ब्रॉड नीच लेके नहीं चलना चाहिए। ठीक है, कि मेरे को जैसे इंटरेस्ट हो गया मेक मनी ऑनलाइन, अब मैं मेक मनी ऑनलाइन पर कुछ भी स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो ऐसी साइट्स को रन करने के लिए मैं आपको बताऊँ कि आपको जो है एक भारी टीम की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप अकेले कोई काम कर रहे हो, अगर आप अकेले किसी ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको वही बोलूंगा कि आप एक स्पेसिफिक नीचेस को जो है टारगेट करो, एक
स्पेसिफिक जो है अगर आप क्वेरी को जो है टारगेट करके उसके ऊपर ब्लॉग बनाओगे तो गूगल को ये लगेगा कि आपने जो है इस पार्टिकुलर क्वेरी को सही से जो है समझाया है, ठीक है। और इंटरनेट पर सिर्फ आपकी साइट होनी चाहिए जो उस क्वेरी को बहुत अच्छे तरीके से जो है समझा रही है और उसी क्वेरी के पूरा अराउंड जो है आपका पूरा ब्लॉग रहेगा, तो गूगल आपको पहले पेज पर रैंक करेगा उस क्वेरी पर कोई भी बंदा अगर आएगा। सो ऐसे केस में दोस्तों इसको बोला जाता है माइक्रो नीच ब्लॉगिंग, ठीक है। उसमें से आप जो है माइक्रो नीच में आप जो है एक पार्टिकुलर नीच का जो है आप सब नीच जो है निकाल लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था बहुत पहले भी दोस्तों कि अब आप कोई मान लीजिए कि जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी पे आप कोई मान लीजिए निकाल रहे हैं ब्लॉग, अगर आप बनाना चाहते हैं मोबाइल्स के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो उसमें आप किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को भी टारगेट कर सकते हो या फिर कोई भी मोबाइल का जो है कोई एक वर्जन को जो है आप जो है ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप सारे मोबाइल फ़ोन्स के फीचर्स और सारे मोबाइल फ़ोन्स के जैसे कि ब्लॉग को स्टार्ट कर दोगे तो उसको रन करने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा। ऐसा नहीं कि आपको जो है सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय में सक्सेस मिलेगा और ऐसे केस में आपको जो है एक भारी टीम की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको जो है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनना है दोस्तों तो आप एक स्पेसिफिक नीच के ऊपर जो है अपनी ब्लॉग को स्टार्ट करें। तो इसके ऊपर मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको सब नीचेस को जो है कैसे सेलेक्ट करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको आई कार्ड पर दिख जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक माइक्रो नीच का जो है सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। वो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी एंड उसके बाद जो है आपको ये सब नीचेस जो है सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, उस वीडियो को देखना आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पे जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है ब्लॉग को स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने ब्लॉग को बना लिया है, अब आप उस पर 30 से 40 आर्टिकल लिख चुके हैं, आपको रैंकिंग मिल चुकी है, लोग आपसे एंगेज हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, लोग आपके आर्टिकल्स को पढ़ना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में आपको जो है यहाँ पर रीडर्स की जो है चॉइस के अकॉर्डिंग जो है अपने ब्लॉग को स्टार्ट करना है, ठीक है। जो आपके रीडर्स चाहते हैं उस ब्लॉग में उस आर्टिकल को आप सबमिट कीजिए, उस पार्टिकुलर क्वेरी को जो है सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस पर जो है टॉपिक्स आर्टिकल्स को पब्लिश करना शुरू कर देंगे गाइस तो हो सकता है कि रीडर्स को एंजॉय ना लगे, ठीक है। वो आपको जो है कमेंट करेंगे, आपको खुद सजेशंस देंगे और आप इस तरह के जो है टॉपिक्स को उसमें जरूर कवर करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड स्टेप था गाइस वो यही था कि आपको जो है रीडर्स के चॉइस को मानना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक स्पेसिफिक नीच को शुरुआत भी कर दी है तो उसमें भी आपको ज़्यादा प्रायोरिटी अपने रीडर्स को देना है, ठीक है। और ऐसे करके आप अपने ब्लॉग को लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ जो है बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। ये काफ़ी वैसे जैसे बहुत ही कॉमन चीज़ थी, ये तो मैक्सिमम लोग करते हैं क्योंकि जो क्वेरीज होती है उनके पार्टिकुलर सब्सक्राइबर्स की वो उसी से रिलेटेड जो है अपना कंटेंट तैयार करते हैं। सो इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ मिस्टेक्स जो ब्लॉगर्स करते हैं अपने नीच को जो है सेलेक्ट करते वक्त, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। तो एक जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि जो ब्लॉगर्स होते हैं वो कभी कभी इतना ज़्यादा मतलब कि सर्चिंग कर लेते हैं नीचेस का इस तरह से कि यार बिल्कुल उनसे बिल्कुल रिलेट करता हो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, अब उनका इंटरेस्ट मतलब अगर मान लो कि आपका इंटरेस्ट जैसे मान लो चेस का गेम खेलने में है, ठीक है। अब आप चेस के गेम्स को अगर खेलना पसंद करो तो आप उसी के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर ब्लॉग नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर आप जो है पूरी तरह से ये जानना चाहोगे कि मतलब कि मेरे ही अकॉर्डिंग सारा उसमें जो है रहे तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है कभी भी जो है इस तरह की जो है सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी कि आपको जो है उसमें अगर पैशन नहीं आ रहा है तो आप जो है उस पर्टिकुलर ब्लॉग नीच को जो है छोड़ दोगे, जबकि वो एक पोटेंशियल नीच हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप आगे चल के लॉन्ग टर्म में जो है सक्सेस ले सकते हो। सो यहाँ पर गाइस इस चीज़ का ध्यान देना आपको जो है, अगर आपका पैशन एक्चुअली नहीं है उस पर्टिकुलर नीच पे तब भी आपको जो है अगर वो पोटेंशियल है तो उसको आपको शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। देखिए जब भी कोई पैशन की बात करता है दोस्तों तो अगर आप पैदा हो रहे हैं तो आपके पास पैशन नहीं है, ठीक है, आप उसको डेवलप करते हैं, वो कुछ समय के बाद जो है आपके अंदर आ जाता है। जब आप खेलना शुरू करते हैं तो आप जाकर के कुछ और गेम्स खेलते हैं, इसी तरह जब आप पढ़ाई करते हैं आगे पढ़ाई करते हैं, इसी तरह जब आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आप एक नीच पे काम करेंगे, आप मल्टीपल नीचेस के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पैशन जो होते हैं वो डेली ग्रो होते हैं, मतलब कि आपको जो है लाइफ में कभी ना कभी उसमें जो है सक्सेस मिलेगी, बस आपको अपने आप को जो है डेवलप करना पड़ेगा। सो ये दोस्तों आपको बिल्कुल देखना है कि आपका जो पैशन है उसको तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा मतलब कि नहीं देखना है कि आप एक पोटेंशियल नीच को भी जो है छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर ध्यान देना है आपको।
अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर गाइस। दोस्तों कई बार ये होता है कि आप जो है कंपटीशन से अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसमें जो है इसका जो पूरा मतलब कि मार्केट है वो ओवर सैचुरेट हो चुका है, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा लोग जो है काम कर रहे हैं, आपके अंदर कोई अब ऐसा स्किल नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं कि आप इस पार्टिकुलर नीच के साथ जो है काम नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले किसी नीच के साथ और आप उसको जो है छोड़ दें, ठीक है। सो ऐसे केस में इन सभी चीज़ों को गाइस इग्नोर करना है। अगर आपको बहुत अच्छा मिल रहा है नीचे से, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से किसी नीच का सिलेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके साथ काम करें, पैशन आपको आ जाएगा उसके, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा। अगर आप लिखना शुरू करोगे, अगर आप रिसर्च करना शुरू करोगे तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा, आप पढ़ना शुरू करोगे आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको जो है कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको जो है कोई पोटेंशियल नीचे आपसे छूट जाए। इसके बाद दोस्तों तीसरी गलतियाँ यही होती हैं कि कई बार लोग डायरेक्ट जो है नीचे इसको उठा लेते हैं। मैंने वैसे भी बोला हुआ है कि आपको माइक्रो नीच उठाना, उसके सब टॉपिक्स को जो है निकालना है और वो सब आप कैसे कर सकते हो उसके लिए मैंने जो वीडियो आपको सजेस्ट किया है उस वीडियो को आप जरूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको आई कार्ड पे डेफिनेटली मिल जाएगा। सो यही जो गलतियाँ होती है गाइस और ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है, और ये बहुत सारे ब्लॉगर्स गलतियाँ कर देते हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है क्योंकि मैंने कुछ लोगों का भी देखा कि वो अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर इस पर 50 लाइक्स आते हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एक परफेक्ट नीच के बारे में बताऊंगा और मैं आपको कुछ ऐसे नीचेस के बारे में बताऊंगा, उसके साथ साथ उसके कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि आपको उन कीवर्ड्स को कैसे सर्च करना है, कैसे निकालना है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, इस पर 50 लाइक्स आने चाहिए गाइस, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दे सकूँ गाइस। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी गाइस, मुझे पता है। सो इस चैनल को आप अभी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @SUYukti से मैसेज कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको जो है रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और अगर आपका इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करना क्योंकि ये वीडियो गाइस इसी पर आधारित है कि आपकी पूरी ब्लॉगिंग जर्नी जो है इसी वीडियो से जो है आपकी चलने वाली है, ठीक है। सो एक परफेक्ट नीच को कैसे सेलेक्ट करना है दोस्तों, इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना, आपको डेफिनेटली जो है अपने ब्लॉगिंग में जो है सक्सेस मिलेगी गाइस। एंड कमेंट करना अगर कोई भी क्वेरी हो।